हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एकेडमी ऑफ साइंसिया। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। तो हमारे जो मेन पॉइंट्स है वो है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के बारे में हमें पढ़ना है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी और प्रोडक्ट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। ओके, सो हियर इन अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, branch of biology which study of the enzymes related to some prokaryotes and the eukaryotic microbes। यानी कि अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी उसे कहा जाता है जिसमें ऐसे एंजाइम्स की स्टडी करते हैं हम जो प्रोकैरियोट्स और ईओकैरियोट्स के माइक्रोब से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, अप्लाइड जेनेटिक्स है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, ईटीसी is performed is called as the applied microbiology। This study is used for society and various products like food, medicine are produced on large scale with the help of microorganisms। तो ये इस स्टडी में स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को यूज़ करके मेडिसिंस बनाए जाते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स फूड जैसे प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ होते हैं, जो सोसाइटी के लिए और रेगुलर लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, यूज़फुल होते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। ओके, सो दिस साइंस इज़ रिलेटेड टू कमर्शियल यूज़। दिस साइंस इज़ रिलेटेड टू कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रोब्स इन विच वेरियस इकोनॉमिक, सोशल, इन्वायरमेंटल प्रोसेस एंड प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड। वेरियस माइक्रोबियल प्रोसेस यूजफुल फॉर दिस पर्पज़ कैरीड आउट। तो जो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी थी है एक्चुअली ये कमर्शियल यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, जो इकोनॉमिक में हमारे सोशल डेवलपमेंट में, इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देती है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, जिसके मेन फीचर ये है कि जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके क्या होते हैं, बनाए जाते हैं। सो हियर वेरियस प्रोडक्शंस विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस, यानी कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि ब्रेड है, चीज़ है, वाइन है। ओके, ब्रेड, चीज़, वाइन, रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स, एंजाइम्स, न्यूट्रिएंट्स एंड द मेडिसिंस। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं फर्मेंटेशन के थ्रू, ब्रेड, चीज़, वाइन, ये इन सारी चीज़ों को बनाने में हेल्पफुल होते हैं, और इसके लिए जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो केमिकल, एंजाइम, न्यूट्रिएंट और मेडिसिंस होते हैं। सो यूज़ ऑफ माइक्रोब्स फॉर गार्बेज मैनेजमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। इसके अलावा जो माइक्रोब्स होते हैं वो गार्बेज मैनेजमेंट यानी कि कचरे का मैनेजमेंट करने के लिए और पॉल्यूशन को एनवायरनमेंट में कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है प्रोडक्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट्स मीन्स दूध से बनने वाले प्रोडक्ट्स या फिर मिल्क के थ्रू बनने वाले प्रोडक्ट्स। सो सिंस एंशिएंट डेज यानी कि पुराने ज़माने से मिल्क इज़ कन्वर्टेड इंटू वेरियस प्रोडक्ट। मिल्क को बहुत सारे किस्में प्रोडक्ट में है कि नहीं, क्या होता है, करते हैं हम कन्वर्ट करते हैं और उसको प्रिजर्व करते हैं। क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल हम मिल्क से चीज़ बनाते हैं, बटर बनाते हैं, क्रीम बनाते हैं, कैफिर बनाते हैं, योगर्ट बनाते हैं। सो वाटर कंटेंट एंड एसिडिटी ऑफ मिल्क चेंजेस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट्स। तो जो एसिडिक नेचर होता है मिल्क में और जो वाटर कंटेंट होता है तो उसको मिल्क क्या करता है, चेंज करता है और इस प्रोडक्ट्स को बनाता है, और उसके साथ साथ उसका टेक्सचर, टेस्ट, फ्लेवर ये सब कुछ भी क्या हो जाते हैं, इम्प्रूव्ड हो जाते हैं। सो दिस प्रोसेस आर परफॉर्म्ड ऑन लार्ज स्केल विथ मोर स्किल्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द मिल्क प्रोडक्ट्स। सो बैक्टीरिया इन मिल्क इटसेल्फ आर यूज्ड। तो इन सारी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए बैक्टीरिया भी क्या होता है, यूज़ होता है। फॉर प्रोडक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ फंगी, इसके अलावा फंगी भी यूज़ होता है। बेसिक प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट, चीज़ एंड क्रीम इज द सेम। सो अब ये जो चीज़ और क्रीम और चीज़ बनाने का जो मेथड है ये भी थोड़ा थोड़ा क्या होता है, उसी तरह का सेम होता है। सो नाउ ओनली चीज़ इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ फंगी। बेसिक प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट, चीज़, क्रीम इज द सेम। सो मिल्क इज़
मॉइस्चराइज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ डिस्ट्रॉय अनवांटेड माइक्रोब्स। तो ऐसे माइक्रोब्स जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है उसके लिए हमें दूध को क्या करना पड़ता है, मॉइस्चराइज्ड करना पड़ता है एंड इट इज़ देन फर्मेंटेड। और उसके बाद उसका फर्मेंटेशन किया जाता है, क्या किया जाता है उसके बाद उसका फर्मेंटेशन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिली, ऐसे बेसिली, ऐसे बैक्टीरिया जो दूध से क्या है रिलेटेड है या मिल्क से रिलेटेड है। तो लैक्टोबैसिली का यूज़ करके हम फर्मेंटेशन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इन दिस प्रोसेस लैक्टोज शुगर ऑफ मिल्क इज़ कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। तो मिल्क में जो लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होता है वो लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है एंड मिल्क प्रोटीन्स आर कॉग्लूटेड विद द हेल्प ऑफ लैक्टिक एसिड। और मिल्क में जो प्रोटीन है वो कॉग्लूटेड होते हैं किसके थ्रू, लैक्टिक एसिड के थ्रू। सो बिसाइड कंपाउंड्स ऑफ विद टेस्ट एंड फ्लोर आर आल्सो फाउंड। सो डाइएसिटाइल हैज़ द फ्लेवर ऑफ बटर। तो डाइएसिटाइल में क्या होता है, बटर का फ्लेवर आता है। और इसके बाद जो हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, योगर्ट यानी कि दही बनाने का मेथड। योगर्ट इज़ अ मिल्क प्रोडक्ट। योगर्ट भी क्या है, ये एक मिल्क का प्रोडक्ट है विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिली और इनोक्यूलेंट, और ये भी लैक्टोबैसिली के थ्रू ही होता है। फॉर मेंटेनिंग द प्रोटीन कंटेन कंडेंस्ड मिल्क पाउडर इज मिक्स्ड। तो हमारा जो मिल्क के प्रोटीन होते हैं उसे मेंटेन करने के लिए यहाँ पे जो कंडेंस्ड मिल्क होता है हमारा उसका पाउडर हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं एंड फिर उसका फर्मेंटेशन किया जाता है टू बी फर्मेंटेड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ अ योगर्ट। तो योगर्ट जो इंडस्ट्रियल लेवल पे तैयार होता है उसके अंदर क्या करते हैं, कंडेंस्ड मिल्क पाउडर ऐड करते हैं। सो मिल्क इज़ बॉइल्ड वंस इट कूल्स टू वार्म टेम्परेचर। पहले दूध को गर्म किया जाता है उसके बाद उसे क्या किया जाता है, इट कूल्स टू वार्म टेम्परेचर, और एक टेम्परेचर पे उसे ठंडा भी किया जाता है। उसके बाद जो बैक्टेरियल स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस एंड लैक्टोबैसिली डल्बे रुकी आर एडेड टू इट इन 1:1 प्रोपोरेशन। यानी कि अगर आप 1% स्ट्रेप्टोकोकस लेंगे तो 1% लैक्टोबैसिली लेकर ऐड करेंगे उसमें, और लैक्टिक एसिड इज़ फॉर्म ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकस, और इसके थ्रू क्या होगा कि स्ट्रेप्टोकोकस के थ्रू लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा एंड दैट मेक्स द प्रोटीन्स टू जेल, और जो प्रोटीन होंगे वो जेल में चेंज हो जाएंगे, दैट गिव डेंस कंसिस्टेंट टू द योगर्ट, और जो दही को एक अच्छी कंसिस्टेंसी देंगे। उसके अलावा एसिटाल्डिहाइड लाइक कंपाउडर फॉर्म ड्यू टू लैक्टोबैसिली दैट गिव्स कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट टू योगर्ट, और लैक्टोबैसिली की वजह से एसिटाल्डिहाइड जो फॉर्म होते हैं वो क्या करते हैं, योगर्ट को टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। नाउडेज वेरियस फ्रूट जूसेस आर मिक्स्ड विद योगर्ट टू इम्पार्ट डिफरेंट फ्लेवर्स। इसके अलावा जो भी जूसेस आजकल बनाए जा रहे हैं उसमें भी योगर्ट हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। सो स्ट्रॉबेरी योगर्ट, बनाना योगर्ट, शेल लाइफ ऑफ योगर्ट, इट्स प्रीबायोटिक प्रॉपर्टीज कैन बी इम्प्रूव्ड बाय पॉस्चराइज। तो ये भी एक पॉस्चराइजेशन के थ्रू हम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो है बटर। तो टू टाइप्स ऑफ बटर लाइक स्वीट क्रीम एंड कल्चर्ड आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। ओके, तो कितने टाइप के बटर है, एक तो स्वीट क्रीम है और एक कल्चर और प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल यानी कि एक कल्चर तरीके से बटर बनाया जाता है। तो माइक्रोब्स आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ कल्चरल वैरायटी, तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, माइक्रोब्स यूज़ करते हैं। उसके बाद जो हमारा है वो है चीज़ प्रोडक्शन, कि चीज़ का प्रोडक्शन किस तरह से किया जाता है। तो चीज़ इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल फॉर द अबंडेंटली अवेलेबल कॉ मिल्क ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि जो गाय तो जो गाय का दूध होता है जो अबंडेंटली फाउंड होता है, फर्स्ट केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट ऑफ मिल्क आर परफॉर्म्ड। तो इसके अंदर जो केमिकल होते हैं या माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट जो भी मिल्क के लिए परफॉर्म्ड होते हैं, सम कलर्स और माइक्रोब्स लैक्टोबैसिली लैक्टीज लैक्टोबैसिलस क्रीमीज और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस आर मिक्स्ड विद द मिल्क। ये सारी चीज़ें मिल्क में हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इट इम्पार्ट सोरनेस टू द मिल्क, जो है कि नहीं सोरनेस प्रोवाइड करता है मिल्क को। आफ्टर हीज टू इम्पार्ट द डेंस टेक्चर वह वाटर इन योगर्ट नीड्स टू बी रिमूव्ड। जो भी योगर्ट में जो भी वाटर होता है वो भी हमें क्या करना है, यहाँ पे रिमूव करना है। एन एंजाइम रिनेट ऑब्टेंड फ्रॉम एलिमेंट्री कैनल ऑफ द कैटल। जो एंजाइम मिलता है रिनेट नाम का, कहाँ से, एलिमेंट्री कैनल ऑफ द
कैटल कैटल के एलिमेंट्री कैनल से एक इंजाइम निकलता है जिसे हम रिनाइट कहते हैं, और ट्रेडिशनल मेथड में ये इंजाइम क्या करते थे, यूज़ करते थे। हाउएवर एन इंजाइम प्रोटीज ऑप्टेंड फ्रॉम फंगी, उसी तरह प्रोटीज नाम का भी इंजाइम कहाँ से हमको ऑप्टेंड होता है, फंगी के थ्रू ऑप्टेंड होता है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। सो इज़ यूज एट प्रेजेंट टू प्रोड्यूस वेजिटेरियन चीज़। तो वेजिटेरियन चीज़ बनाने के लिए आजकल प्रोटीज का क्या क्या जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है जो हमें फंगी से मिलते हैं। द वे इज सेपरेटेड फ्रॉम योगर्ट विच हैज सम अदर यूजेस। सो द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चीज इज स्टार्टेड थ्रू स्टेप्स लाइक कटिंग द सॉलिड योगर्ट इनटू पीसेस। जो सॉलिड योगर्ट होता है उसे क्या करते हैं, पीसेस में कट किया जाता है, वॉशिंग की जाती है, उसे वॉश किया जाता है, फिर रब किया जाता है, फिर सॉल्टिंग यानी नमकीन किया जाता है, एंड मिक्सिंग ऑफ एसेंशियल माइक्रोब्स, और उसमें फिर कुछ एसेंशियल माइक्रोब्स मिलाए जाते हैं, और उसके बाद कलरेशन यानी पिगमेंटेशन दिया जाता है, उसके बाद फ्लेवर्स भी इसमें ऐड किए जाते हैं। देन चीज़ इज़ पास्ड आउट एंड कट इनटू पीसेस एंड स्टोर्ड फॉर रिपेनिंग, और उसके बाद रिपेनिंग के लिए इसे स्टोर्ड कर लिया जाता है। तो आज के लिए हमारे पास इतना काफ़ी है। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रीबायोटिक्स। सो बने रहिए मेरे चैनल अकेडमी ऑफ साइंस के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय।